नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। हीरा पर 3 और शिक्षा पर 18% का टैक्स बर्दाश्त नहीं के नारों के साथ उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र जिला प्रशासन को सौंपा और शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाते हुए पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को साकार करने की मांग किया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि देश के नागरिकों को साक्षर बनाकर ही हम श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में शिक्षा प्रमुखता में शामिल है। इसके बावजूद शिक्षा को 18% के GST श्रेणी में शामिल किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इसी देश में हीरा के खरीद पर मात्र 3% की GST का निर्धारण है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि शिक्षा के पर नाम मात्र GST लगाकर देश के सभी बच्चों को शिक्षित हीरा बनाने के लिए व्यापक कदम उठाया जाए। आज उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ की जिला टीम आजमगढ़ की भारत सरकार द्वारा शिक्षा और शिक्षा सामग्रियों पर अतिशय बोझ लादने के कारण, अतिशय बोझ का मतलब GST का जो दायरा है वो 18% शिक्षा और शिक्षक सामग्री करने पे, आज हम लोग यहाँ भारत सरकार को यहाँ DM द्वारा ज्ञापन देने आए हैं कि वो शिक्षा और शिक्षार्थियों पर यह बोझ लाद कर भारत का भविष्य चौपट करने का काम करें। जहाँ पे हीरे पे सिर्फ 3% की GST है, वहीं पे शिक्षक और शिक्षा सामग्रियों पे 18% की GST डालकर भारत सरकार एक अनैतिक काम कर रही है। तो आज इसी के विरोध में उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ की आजमगढ़ की इकाई यहाँ पे जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को यह सुझाव देने आई है कि इसको, इस बोझ को कम खत्म किया जाए या कम किया जाए। तो कल से अंतरिम बजट पेश होगा, तो क्या उम्मीद है आपको? निश्चित रूप से हमारी मांग यही रहेगी, और अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सिर्फ कागज और कहने मात्र की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है, वो उस पर अच्छे बोझ लाद के हमारे नागरिकों के साथ और हमारे बच्चों के साथ, आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।